शुक्र है, मैं बच गया। तुम मरने ही वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया मिस्टर एस्ट्रोनॉट। वाओ, थैंक्स अ लॉट। रोबोट, मेरा नाम सार है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे साथ मार्स पर ही रहूंगा। अगला टास्क। एनालिसिस पूरे हुए, अगला टास्क। वाव, तुम तो बहुत ही रिसोर्सफुल हो। पता है, मुझे तो इन रॉक्स को लैब में भेजना पड़ता है। और मुझे तुम में से जलने की बू आ रही है। क्या तुम मेरी बेहतर परफॉर्मेंस के कारण इनसिक्योर महसूस कर रहे हो मिस्टर एस्ट्रोनॉट? मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। बेशक, तुम भी काम के ही हो। मैं अंदर जाता हूँ और इस रॉक को एनालाइज करता हूँ। ठीक है। क्या तुम मुश्किल से बचे? अरे, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो कामयाब नहीं रहा, लेकिन मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए एक अजीब सा रोबोट भेजा। एक रोबोट ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ, मेरा मतलब हनी बब, वो एकदम परफेक्ट कैसे है? वो सारे काम इतनी आसानी से कर लेता है, और उसे तो स्पेस सूट की भी जरूरत नहीं है। वो बहुत ही फास्ट भी है। और हे, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, इसे खा लो, मुझे तो कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने सुना कि नहीं हनी, इसे तो खाना बनाना भी आता है, जरा सोचो। और इसमें से खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। हनी, क्या तुम इस रोबोट के कारण इनसिक्योर महसूस कर रहे हो? मैं शायद क्या कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन के जमाने में मैं नोकिया बन के रह गया हूँ। शायद फ्यूचर में हमें एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं करते? वो खड़ूस क्या करेगा? क्या? कुछ नहीं, हाँ, मैं बात करता हूँ उनसे। एस्ट्रो डूड, शुक्र है कि तुम बच गए। मेरे वकील के साथ जो जूम मीटिंग थी उसे कैंसिल कर दो। ए, तो तुम सार से तो मिल ही चुके होगे? यस सर, वो काफी अच्छा है। अच्छा? अरे वो फ्यूचर है, फ्यूचर। तुम्हें उसके नाम का मतलब पता है? स्पेस एस्ट्रोनॉट रिप्लेसमेंट। सर, क्या मेरी जगह ये मशीन्स लेने वाली है? ये मशीन्स हम सबकी जगह ले लेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम भी जरूरी ही हो। लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन पर तभी ध्यान देते हैं जब तुम जैसे एस्ट्रोनॉट वहाँ जाते हैं। पता नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो बस फैक्ट्स ही बता रहा हूँ। 1997 में हमने मार्स पर सोजनर नाम का एक रोबोट भेजा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब तुम मार्स पर गए हो तो पूरी दुनिया का हम पर ध्यान है। देखा जाए तो ये रोबोट्स तो पहले से ही सोलर सिस्टम में अपनी जगह बना चुके हैं। मून, वीनस, मार्स और सैटर्न पर भी तो पहले रोबोट्स ही पहुंचे थे। अगर इन रोबोट्स का खुद का दिमाग होता तो वो कब से ही हमारी जगह ले चुके होते। अच्छा है कि हम इन्हें कंट्रोल करते हैं। मतलब सर, खुद से फैसले नहीं ले सकता? है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। चलो तुम अपना ख्याल रखो। हेलो, हेलो, डू यू कॉपी? इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। हे सार, पता है क्या हुआ? मेरा अर्थ से संपर्क टूट गया है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर पहले चुपचाप ये खाना खाओ। ये कहाँ जा रहा है? 0 to 1 के स्केल पर इसका टेस्ट कैसा है, बताओ? मुझे लगता है 0.8। तुम झूठ बोल रहे हो। ये टेस्टी है सार, टेस्टी था। तुम्हारे बिहेवियर से मुझे लग रहा है कि मेरे होने से तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही हैं। हाँ, तुमने सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद फ्यूचर में मेरी जरूरत ही ना पड़े। कह सकते हैं
पर तुम पृथ्वीवासियों की जनसंख्या भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जल्दी तुम पृथ्वी पर बोझ बन जाओगे। बस बहुत हुआ सर, तुम काफी कूल और समझदार होगे, पर वो तो आखिरकार एक रोबोट ही ना, और भूलो मत हमने तुम्हें बनाया है। और तुम्हें कुदरत ने बनाया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने अपनी हदें पार करनी शुरू की और कुदरत को ही नियंत्रित करने लगे। अंत करीब है। अरे बहुत साइफाई मूवीज देखी है, मुझे ज्ञान मत दो, ये लो। अच्छी कोशिश थी। और हाँ, मैं बताना भूल ही गया, तुम्हारे खाने में नींद की गोलियाँ थी। मैं तुझे नहीं छोडूंगा। सर कहाँ चला गया? अरे नहीं सर, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुझे माफ कर देना एस्ट्रो टू। रुको, ये तो वही रोबोट है ना जो हमने मार्स पर भेजा था 1997 में। हाँ, सोजर्नर को मार्स पर इस उम्मीद में भेजा गया था कि ये भी आर्मस्ट्रांग की तरह मशहूर हो जाएगा, लेकिन बाद में इसे भुला दिया गया। इसका बस ये कसूर था कि एक रोबोट था। अरे नहीं नहीं रुको, क्या तुम अंतरिक्ष में भेजे गए सारे रोबोट को इकट्ठा करने वाले हो? सही समझे, पूरे अंतरिक्ष पर हमारा कब्जा होगा और सबको पता चल जाएगा कि अंतरिक्ष में नई खोजों के लिए हम रोबोट्स तुमसे कितने बेहतर हैं। ये दूसरी बार है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, शायद तुम्हें तीसरा मौका ना मिले। वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि कोई भी मनुष्य नहीं। चलो अपने अगले दोस्त को ढूंढते हैं। हाँ तो सब कैसा चल रहा है मार्स? कुछ खास नहीं,